सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मॉर्निंग से ही मैंने दो तीन मैच के खेले सोलो में। थोड़ा रैंक पुश करने की सोचा था, बिकॉज वीडियो काफ़ी बन चुकी, तो मैं सोचा कि ये रैंक पुश कर लेनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें नहीं हो गई है भाई साहब। मैंने जैसे बरमूडा रिमास्टर्ड का ऐप में मतलब मैप आया, मैं दंग रह गया। मैं बोला भाई साहब क्या है, फिर बाद में सोचा कि नहीं यार ये बरमूडा रिमास्टर्ड है, तो वो देख लेंगे था सबसे पहले। तो गाइस मैं सबसे पहले तो अभी ऑब्जर्वेशन में उतरा हूँ, जैसे कि मेरा हमेशा का ये प्लेस जो है फेवरेट है। सो इस फेवरेट प्लेस पे कुछ चिमकांडी लोग आ चुके हैं, तो चिमकांडी लोगों को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद मारेंगे, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे, कुछ बातें करने का। और जिस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं ग्राफिक में, काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। और भी मैं सबसे पहले यहीं पर हूँ अभी, तो मुझे नहीं पता कि आसपास कौन सा इलाका कैसा है अभी, मतलब चेंजेस हुए तो कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। और सामने एक मिनट बंदा, फिर निपटा देता हूँ। ओके फिलहाल ये निपट चुका है। देन यहाँ पे नीचे टाइल्स वगैरह लग चुके हैं, जिस हिसाब से देख रहा हूँ काफ़ी खर्चे किए गए हैं भाई साहब इस पर। अभी थोड़ी देर के बाद बताऊँगा कि इसमें कितने रुपये का बजट लगा है, कितने रुपये कौन कराया है, क्या क्या कौन किया है। ओ यहाँ पे एक बंदा और है, इसको भी निपटा लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके भाई साहब चलिए निकलिए, आप फुर्सत में, ज़रूरत है आपकी, दूसरे मैच में आपकी ज़रूरत है, इस मैच में नहीं है। ठीक है ओके ठीक है। तो गाइस मैं कहा था कि हाँ खर्चे कितने किए गए हैं इसने, स्पेंड पैसे कितने किए गए हैं। और जो सामने यहाँ पे था ना, अक्सर वहाँ से मतलब हैंगर से आ जाते थे बंदे, यहाँ पे लैंड कर जाते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ था नहीं। बट अभी यहाँ पे बहुत कुछ है, ये तो पहले भी था, ये जो मैं ये लाइन है ना येलो कलर की जो लाइन है, पट्टी है, ये पहले भी था। बट अभी चलते हैं कहीं और, हो गए यहाँ पे। तो भाई साहब हम आ चुके हैं ग्रे आर्ट, बट सॉरी गाइस दिस इज़ नॉट ए ग्रे आर्ट, बट दिस इज़ आ एकेडमी। फिलहाल हम बंदा फायर कर रहा है हम पे, भाई हम घूमने आए, हम थोड़ा शेयर करने आए हैं, थोड़ा सा वेट कर लो भाई, एक सेल्फी तो बनती है। ओके वन मोमेंट प्लीज़ बोल रहा हूँ प्लीज़। ओके चलो सेल्फी भी हो गई, देन उसके बाद अब थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास हमारे पास एक बंदा है, मतलब टेररिस्ट समझ लो, आतंकवादी जो साला मतलब जीने नहीं देगा, उसको हम अच्छे खासे खातिर डाले। और सामने जा रहा बंदा, पहले लपेट लेंगे इसको अच्छे, लपटेगा तो नहीं बट कोई नहीं होता है। सो यहाँ पे इसका नामकरण हो चुका है एकेडमी ग्रेड का, और सारे चीज़ें चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे शमशान घाट जो गवर्नमेंट की थी, अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि यहाँ पे क्यों ना यार, मतलब फ्री फायर गवर्नमेंट में सोचा है कि क्यों ना यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई का सोच लिया जाए। पढ़ाई लिखाई का हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे, यहाँ पे आके बंदे पढ़ाई लिखाई करेंगे वो भाई साहब। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात कौन करना चाहता है भाई, यहाँ पे कोई नहीं करना चाहता भाई, ये तो करना ही नहीं चाहता। सामने बंदा, रुक जाओ यार हम घूमने आए हैं भाई, हमें पढ़ाई लिखाई से वैसे भी मतलब नहीं, हम गेमर हैं, तो फिलहाल आपको निपटा देंगे, उसके बाद हम बाद में पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, करना होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। ओके फिलहाल कौन सा कार है भाई, ये क्या गन है। ओके चलो हेडशॉट के साथ निपट चुका है बंदा। ओके कोई नहीं, तो पढ़ाई लिखाई की बात कौन करता है, पढ़ाई लिखाई की बात वैसे हम भी नहीं करते, बट यहाँ पे जो नाम दे दिया गया है एकेडमी ग्रेयार्ड की जगह, पूरा ग्रेयार्ड पूरा चेंज हो चुका है और इसका नाम है एकेडमी। और यहाँ पे गार्डनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आगे जाके देखते हैं क्या है। और वो भाई साहब आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक ग्रेयार्ड स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, एकेडमी को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है गाइस। तो कोई नहीं यहाँ पे आके आप शूटिंग देख सकते हैं, फिल्म सिटी है मेरे हिसाब से लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे है। कोई नहीं यहाँ पे आके अपन फिलहाल एक सेल्फी लेने का इरादा बन रहा है, तो लेने की कोशिश करिए एक सेल्फी। और यहाँ पे रिवॉर्ड अवॉर्ड है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर जी। ओके कोई नहीं गाइस यहाँ पे एक सेल्फी ले लेते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि यार सेल्फी लेने का कोई ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा। लॉन्ग स्क्रीन शॉट, रेड रेक्टेंगल फन स्क्रीन शॉट, बट समझ में नहीं आ रहा होगा कि नहीं कि ओके भाई क्या हो गया, गेम पे आओ ना। ओके भाई साहब ओके आई एम बैक एंड स्क्रीन शॉट इज फाइनली, स्क्रीन शॉट इस गेम पे अपना मतलब सेल्फी बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल यहाँ पे जो नामकरण किया गया है उनका नाम है यूपी के सीएम माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी। फिलहाल उसको निकनेम योगी जी ही कहा जाता है, आदित्यनाथ वो थोड़ा ज़्यादा कुछ कहा जाता है, इसलिए उनका वो यहाँ पे आके अपना नाम चेंजिंग का, सबसे कहीं भी नाम चेंज होता था सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, तो नाम चेंज करने में वो माहिर है, इसलिए उन यहाँ का जो ग्रेयार्ड का नाम भी चेंज करके यहाँ पे कर दिया गया है एकेडमी। शायद ये उत्तर प्रदेश पे आता है, इसलिए
नाम चेंज करने में उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि अगर कहीं और होता तो नाम चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। यूपी में नाम चेंज होता रहता है, बहुत सारे जगहों का नाम चेंज हुआ है। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और भी फ़िलहाल यहाँ पे सारे मतलब काफ़ी अच्छे ग्राफिक भी रखा है और यहाँ पे मेरा फ़ोन थोड़ा लैगी है, तो वैसे कहीं चलते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल आ चुके हैं भीमा शक्ति में हमारे मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे हो चुका है घर निर्माण, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पे गृह निर्माण करा दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं, गरीबों को दिया गया है काफ़ी पैसे, जिसके थ्रू यहाँ पे इतने अच्छे डिज़ाइन से घर बने हुए हैं। सो वैसे आप देख रहे डिज़ाइन क्या है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत अच्छे घर बने हैं। कोई नहीं होता है भाई, GDP अभी डाउन है, कोई बात नहीं, GDP डाउन है, बट जो प्रोग्रेस है विकास ज़रूरी है, विकास दिख रहा है हमें अपने गेम प्ले पे। और जिस किसी को रहने इतने सारे घर हैं, आप किसी भी घर पे आकर रह सकते बिल्कुल फ्री पे, कोई टेंशन लेने की नहीं, कोई मगजमारी करने की नहीं। सो गाइस अपन अब और कहीं और जगह जाते हैं, कहाँ चलें? ओके सोचना पड़ेगा थोड़ा सा यार कहाँ चलें अब, क्योंकि काफ़ी जगह दो जगह जा चुके हैं हम लोग, भीमा शक्ति हो गया और अब देखते हैं कहीं जाने की। अब हम आ चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे सामने बंदा है, उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट गाइस। सो यहाँ पे एक बंदा निपट चुका है गाइस, एंड चेंजेस काफ़ी हैं। और ये जो मैप है ये है आई डोंट नो डैम का नाम है कुछ, बट यहाँ पे सामने जो डैम था, यहाँ पे एक चीज़ किस योजना के तहत ये डैम बना है मैं बता दूं कि यहाँ पे बांध निर्माण के तहत ये डैम बना हुआ है। डैम निर्माण के तहत जो भी हो एक्सरसाइज, हम लोगों के गांव के साइड कहते हैं जब कोई योजना निकलती है प्रधानमंत्री के साइड से तो वो कहते हैं बांध निर्माण योजना, तो उसी के तहत ये डैम बन चुका है। फ्री फायर वालों ने बांध निर्माण योजना के तहत यहाँ पे ये बनवा दिया है। लेकिन एक मिनट गाइस ऊपर गया है, पहले देख लेते हैं ओपन लोक नहीं, क्लोज है, बंद है। तो अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के मतलब कुछ ज़्यादा ही प्यारा है तो आके यहाँ पे अपना जो है बोल सकते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं जान दे के मर सकता हूँ। सो गाइस ये सब है फनी की बातें हैं, बट यहाँ पे जो ग्राफिक दे रखा है बहुत ही मस्त ओपी वाला ग्राफिक दे रखा है, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छे पैसे खर्च किए गए हैं इस पे। तो यहाँ पे अब गाइस फिलहाल अब वक्त है अपने पास, मिल जाने का, मिल पे देख लीजिए कैसा सिस्टम है और भी देख लेते हैं साउथ के मतलब यूपी एरिया पे, उत्तर प्रदेश के एरिया पे जितने भी सारे चीज़ें हैं सारा चीज़ चेंज हो रहा है योगी जी के हाथों से। और हम जा रहे हैं अब एक पीक जो रशर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पे पीक पे देखना होगा कि क्या चेंजेस है, पीक पे भी चेंजेस है या फिर बस नॉर्मली है और भी जगहों की तरह, ये भी क्या उत्तर प्रदेश में आता है, लेट्स सी। सो गाइस मैंने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं, ये यूपी में ही आता है। योगी जी ने यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी स्मार्ट सिटी बना चुका है यहाँ पे, और आई होप और अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए, उम्मीद कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सारे चीज़ें जो ग्राफिकों का जो भी सिस्टम है ना सारे चीज़ें हम अपने गरीना को देंगे, गरीना को क्रेडिट देंगे, बिकॉज ये सारे चीज़ें गरीना वालों ने किया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। फिर क्या है भाई साहब यहाँ पे सारे मतलब गार्डन वगैरह काफ़ी स्मार्ट सिटी के नाम पे, स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहाँ पे बन चुका है स्मार्ट सिटी। यहाँ पे भी पैसे काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं, काफ़ी पैसे लगे हैं यहाँ पे भी, बस देखना ही होगा कि मैं बताऊँगा लास्ट में कि भाई इसमें कितने पैसे लगे हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है कि कितने पैसे इसमें
स्पेंड किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा है, उसको पहले देख लेते हैं। खैर ये बंदा तो गया, एंड रोनाल्डो लेके आया था रिके, रोनाल्डो का जो कोर कैरेक्टर है उसको साइलेंस यूज़ नहीं किया, बाहर निकल गया बंदा सील्ड से, और मैं सील्ड के अंदर चला गया तो वो मेरे को बेनिफिट मिल गया। यही तो, आपके पास अगर स्किल होती है तो आप स्किल को सही जगह सही टाइमिंग सही कंडीशन में यूज़ करें तो बेटर है। आप यूज़ करते हैं बट उसका सही ढंग से यूज़ होना ज़रूरी है। फिलहाल हमारे पास मशरूम मिला तो मशरूम ले लेंगे। हमारे मशरूम का लेवल ई पी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब रश करो तो कभी कभी ये हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, गेम प्ले के बारे में अपन बात नहीं करने वाले। फिलहाल यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन चुकी है योगी आदित्यनाथ जी के एरिया पे, यूपी बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे ना बोले जाए तो जो भी हो, बट इसका नाम दे दिया है हम लोगों ने आज, जहाँ भी चेंजेस हुए हैं ना वहाँ पे। फिलहाल क्लॉक टावर पे उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो वेपन से एक नया आया है ना पेन वगैरह के साथ एक नया आया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे गार्डनिंग काफ़ी अच्छे से कर दी गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि पहले तो हमारे पास है पेंट कर देते हैं, अपना सिग्नेचर मार देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा सो होगा। क्लॉक टावर चेंजेस नहीं है, उतना चेंजेस हैं बट उतने यहाँ पे थोड़ा बहुत गार्डन वगैरह पौधे वगैरह लगा चुके हैं। और जो कहते हैं हम लोग सब गांव के साइड जो एक आता है योजना, जिसमें मतलब सारे पहाड़ों को तोड़ ताड़ के जो भी एक्स वाई जेड करते हैं उसको कहते हैं समतलीकरण, तो वहीं पर ये हो चुका है। जितने भी पहाड़ वहाड़ हैं सारे को एक समतली कर दिया गया, समतलीकरण कहा जाता है गांव साइड। मतलब जो योजना आती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे फ्री फायर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो योजना निकली थी उसके थ्रू यहाँ पे जो इंजीनियर है वो इंजीनियर यहाँ पे सब कुछ काम तमाम कर चुके हैं। यहाँ पे फिर से एक बार और क्लॉक टावर के साइड से पहले रोड नहीं थी बट अब रोड कर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये क्या गटर का डिब्बा है क्या? कास खुल जाते तो घुस जाते, सर्वाइव कर लेते भाई, यही बेनिफिट हो जाता। घुस के मारते हैं तो भाई साहब ऐसे कंडीशन आ गई। एक तो सील्ड क्रिएट कर दिए, सील्ड्स के बाहर मत जाओ यार जितना भी हो सके, आपको उसी का मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। और वही किया बंदा, सील्ड के बाहर चला गया, मैं सील्ड के अंदर आ गया, मेरे को डैमेज भी नहीं किया, वो बंदा निपट गया। स्किल का सही यूज़ करो तो बेटर है। हमने बंदे को पहुंचा दिया पहली फुर्सत में, भगा दिया और हमारी हो चुकी है बुआ। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट अच्छी लगे तो कमेंट्री अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं। और हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बस मजाक के तौर पर लेता हूँ जो मेम्स बन गए उनके ऊपर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।